रुहाटिया स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड अकोला के डायरेक्टर एके रुहाटिया से commoditiescontrol.com ने यार्न की मौजूदा स्थिति, आने वाले दिनों में उसके प्राइस मूवमेंट और कॉटन के एक्सपोर्ट्स पर बात की। रुहाटिया जी, इस समय यार्न में किस तरह की डिमांड देखी जा रही है? इस समय जैसे यार्न में कुछ डलनेस है, एक दो महीने पहले चाइना की डिमांड बहुत अच्छी थी, पर थोड़ा सा ये हुआ इंडिया की तरफ से होने से कॉटन क्रॉप ज़्यादा है 4 करोड़ के आसपास है, इस कारण थोड़ा बाहर रुके हुआ है, तो एक दो महीने से थोड़ा डल होने से अभी डिमांड कम है। पर ये और अराउंड दिसंबर महीना में एंड में छुट्टी लगता है उधर चाइना में, तो जनवरी 14 के आसपास 15 के आसपास यार्न में वापस डिमांड अच्छी निकलने की उम्मीद है। जी, यार्न के एक्सपोर्ट का प्रोस्पेक्टस जो भविष्य, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? यार्न का एक्सपोर्ट तो इंडिया से काफ़ी होगा, क्योंकि सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीप अभी कॉटन इंडिया में ही है, जैसे इंडिया से चीप कॉटन कहीं नहीं है, और ये बीटी कॉटन वगैरह इंट्रोड्यूस होने से इंडिया को क्वालिटी का भी एक थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो गया है, और गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया है इसमें, जैसे TMC वगैरह होने से यहाँ का क्वालिटी ठीक है, मतलब चलने ढकने लायक क्वालिटी यहाँ हो जाने से और सबसे चीप होने से यहाँ से यार्न का एक्सपोर्ट तो होना ही होना है जी। और यार्न के अगर हम बात करें अगले एक दो महीने के लुक की बात देखें, तो इसके प्राइस मूवमेंट किस तरह देखने को मिल सकते हैं? ये यार्न का तो अभी जैसे बॉटम आउट हो गया प्राइस, अब इससे बढ़ोतरी रहेगी इसमें, अब इसमें घटने का चांस तो बहुत कम है, नहीं सही कहेंगे जी। और अपने यहाँ की स्पिनर्स की किस तरह की डिमांड देखी जा रही है यार्न में? स्पिनर की डिमांड कॉटन के हद तक, ना यार्न तो खुद ही स्पिनर बनाता है, कॉटन के हद तक स्पिनर की डिमांड थोड़ी डल है, क्योंकि उनके पास कुछ स्टॉक पाइल अप हो रहा है चाइना की डिमांड कम होने से। मेजर अपना इंपोर्टर यार्न का चाइना है, यूरोप वगैरह कंट्रीज में भी जाता है, बट चाइना मेजर होने से थोड़ा सा प्रेशर आता है मार्केट में, तो वो हिसाब से थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच होने से, यार्न का उठाव नहीं होने से उतना थोड़ा सा डल है यहाँ का कॉटन का डिमांड लोकल स्पिनर्स का, बाकी एक्सपोर्ट में डिमांड है थोड़ा। इस साल आप देश से कितना कॉटन एक्सपोर्ट होने की उम्मीद देख रहे हैं? ये 90 लाख से एक करोड़ गठान तक, अपना 170 का, अपना 160 से 65 किलो का वजन का गठान होता है, तो अराउंड 90 लाख से 1 करोड़ गठान एक्सपोर्ट हो जाएगा इस साल। और जनवरी के बाद की अगर हम बात करें, तो कॉटन के प्राइस मूवमेंट के किस लेवल पर देखने को मिल सकते हैं? जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा प्राइस हम लोग तो बढ़ेगा ऐसा उम्मीद तो नहीं है, कॉटन के प्राइसेस तो मोर और लेस ये 37-38 हज़ार रुपये कंडी जो चलता है, 37 हज़ार से 40 हज़ार के बीच में ही रहना है उम्मीद है, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कॉटन का स्टॉक, उनका 12 मिल के ऊपर हो गया मिलियन के, तो उसके कारण उनका 10 से 12 हो गया स्टॉक और बढ़ रही है, तो उनका चाइना का तो वर्ल्ड को वेंडिंग स्टॉक भी बढ़ता ही जाता है, तो सबको ये सिनारियोज देखते हुए कॉटन का प्राइसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी का उम्मीद है। रुहाटिया जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।